हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नई पहेली के साथ हाज़िर। मैं सबके अंदर होता हूँ थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। वो कौन सी चीज़ है? तो वो है डर। सबके अंदर होता है भैया, थोड़ा या ज़्यादा। चलिए जी, एक चीज़ चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दो तो वो दोबारा चलने लगती है। गर्दन काटते हैं फिर भी चलने लगती है। तो जानते हैं इसका आंसर क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेंसिल। वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसने आज तक कभी अपनी माँ को नहीं देखा? हाय, अपनी माँ को नहीं देखा, कौन सा जानवर है? चलिए जी, इसका आंसर जानते हैं। बिच्छू। वो कौन सी चीज़ है जो हमें पढ़ने और लिखने में मदद देती है, लेकिन ना वो पेन है और ना कागज़? वो कौन सी चीज़ है जो पढ़ने लिखने में मदद देती है? इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। चश्मा, ऐनक, ग्लासेस। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा से घूमती रही है और क़यामत तक घूमती रहेगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसका आंसर आपको अभी बता रहे हैं। दुनिया। एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जब उसे अस्पताल ले आया गया तो डॉक्टर ने कहा, ये तो मेरा बेटा है, बताएं कैसे? ओहो, ये वाकई मुश्किल पहेली है, ज़बरदस्त। क्या है? क्योंकि डॉक्टर उसकी माँ थी, ज़बरदस्त। वो क्या है जो गरीब फेंक देते हैं और अमीर जेब में रख लेते हैं? ये क्या चीज़ है यार, अमीर जेब में रख लेते हैं, गरीब फेंक देते हैं? इसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। बहती हुई नाक। अरे, टिश्यू से साफ करके जेब में रख लेते हैं ना। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? हाँ, पैदा होने के बाद मिलता है। सारे हिस्से तो होते हैं, कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। दांत। अरे भैया, ये पैदा होने के बाद ही मिलते हैं। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा जहन्नम में रहेगा? अब ये तो अल्लाह ही जानता है। चलें, एक पहेली है, इसका आंसर अभी हम आपको बता देते हैं। दुनिया की उम्र यानी 70,000।